रुक रुक के ना देख रुक रुक के, रुक रुक के ना देख रुक रुक के, देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उसको असंवैधानिक करार देने वाली कांग्रेस पार्टी इस वक्त संसद परिसर में यहां हंगामा कर रही है। आप देख सकते हैं कि सभी जो सांसद कांग्रेस के हैं उनके हाथों में पोस्टर बैनर इस वक्त मौजूद है और सभी सांसद ये कह रहे हैं कि अब की बार जो महाराष्ट्र में हुआ है वो बेईमानों की सरकार है और इस तरीके से काम नहीं किया जाना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात इन पोस्टर बैनर में दिखाई पड़ रहा है। लोकतंत्र की हत्या, बंद करो इस तरीके के नारे इस समय सारे कांग्रेस के सांसद लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संसद परिसर में हंगामा इस वक्त चल रहा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस समय जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस, ये तीनों ये दावा कर रही हैं कि उनकी सरकार बनेगी। इस बीच शनिवार को जिस तरीके से वहां पर बीजेपी और एनसीपी की सरकार का समर्थन पत्र दे करके वहां सरकार बना ली गई, ऐसे में कांग्रेस पार्टी खासा इस बात को लेकर के नाराज है और यहाँ पर उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ये आपको बता दें कि ये प्रदर्शन काफ़ी देर से यहाँ पर इस वक्त चल रहा है और जो भी बड़े सांसद यहाँ पर कांग्रेस के मौजूद हैं वो सब यही बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हुई है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, इसमें राज्यपाल की जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। सोनिया गांधी, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सोनिया गांधी भी इस धरना प्रदर्शन में यहां पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो धरना यहां पर चल रहा है सारे सांसद कांग्रेस के इस वक्त यही मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है और संवैधानिक तरीके से सरकार वहां पर नहीं बनाई गई है। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है आज। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। फ्लोर अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, दूसरे तरफ जो दायरा है राज्यपाल और विधानसभा का दोनों को देखें, जो फ्लोर पर होगा जो सुप्रीम कोर्ट में होगा, अभी क्यों चिल्ला रहे हैं।